स्किप स्टार्ट किया, स्किप एंड किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट ए इक्वल टू, देखो इसी में उसी का लेना आप लोग कॉन्स्ट, लेट देता हूँ लेट एफ इक्वल टू, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट का साइन, और यहाँ पे लिखा मैंने ओ वी जे इसी टू ऑब्जेक्ट, और फिर नेम कोलन राम, ये नेम क्या है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, और ये क्या है इसकी वैल्यू, ठीक है, सिटी क्या है इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, कॉमा फोन, ये फोन नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या थोड़ा क्लास रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी लोगों को मेरी वॉइस सही आ रही है, बाकी लोगों को वॉइस सही आ रही है, सर एकदम क्लियर है, ग्लिच आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा, स्क्रीन तो क्लियर है सर, ठीक है ठीक है। अब देखो तो हमने क्या बनाई यहाँ पे एक फाइल, आप देखो हमने यहाँ बनाई एक फाइल एफ नाम की, ये क्या है ऑब्जेक्ट, देखो देखा ये साइन लगा कर लिया किसका, ये होती इसकी पहचान, और नेम क्या है इसकी प्रॉपर्टी, अब देखो नेम के में नेम के ऊपर मैंने डबल कोट भी लगाया, तो ठीक है इस सब नाम ना ये ऑब्जेक्ट है, और ये इसकी वैल्यू, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ब्राउजर पर रन करता हूँ तो देखो आप आउटपुट क्या आ रहा है, सर आप लोग देखो क्या आउटपुट आया ब्राउजर पे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हम ब्राउजर को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे प्रिंट नहीं कर सकते, दिख रहा है आप लोगों को ये रहा है, ठीक है, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को ब्राउजर पे प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, एफ डॉट नेम करके, तो ऐसे रिफ्रेश किया देखो नेम प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखो हम इस एफ नाम का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इसकी वैल्यू, हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को भी स्टोर कर सकते हैं, देखो हम ऑब्जेक्ट के अंदर कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, राम 5 2 3 ट्रू, देखो दिख रहा है एरे, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन भी, देखो ये बनाया मैंने एक फंक्शन, ये बनाया मैंने एक फंक्शन, ठीक है, और लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लिखा मैंने इसके अंदर हेलो पी एन, ठीक है, और इसी को हम ऐसे प्रिंट करेंगे, देखो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कंसोल में पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे आपको, एफ मैं आपको कंसोल में दिखाता हूं, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल किया, देखो दिख रहा है पूरा ऑब्जेक्ट, देखो सिटी एरे दिख रहा है, फंक्शंस कंसोल का दिख रहा है फायदा, कंसोल में आप लोगों को सही तरीके से देख सकते हो, अगर मुझे ये एरे प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, ऐसे करूंगा यहां पर लिख दूंगा एमपी सिटी एफ डॉट एमपी सिटी, तो देखो जो हमारा एरे प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे
अब मुझे फंक्शन कॉल करना है तो लिखूंगा एफ डॉट पी एन और फंक्शन का साइन। रिफ्रेश किया, देखो फंक्शन प्रिंट हो गया, हेलो पी एन दिख गया आप लोगों को। याद रखना जब भी आप इस अंदर कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करोगे ना तो क्या लगाना पड़ेगा लास्ट में, आपको दिख रहे हैं कॉमे, ये कॉमे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इसको नोट करो, पूरा मोंगो डीबी आपका इसी पे डिपेंड होगा ऑब्जेक्ट पे। सर उसी फाइल में ऐड कर लें, अलग से कोई फाइल बना लें इसकी, अलग से ना लो ऑब्जेक्ट ना, ए उसी में नीचे ऐड कर लो। नोट हो जाए बता देना। एक बार क्या सर, एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। एक मिनट, नोट हो गया? यस सर, नोट कर लिया। देखो हम कल देख रहे थे डेटा टाइप, याद है कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डेटा टाइप हम सब पढ़ रहे थे कल लास्ट क्लास में, सबको याद होगा डेटा टाइप, ठीक है। तो yes, उसी का एक पार्ट है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो F नाम का हमने बनाया ऑब्जेक्ट। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट है, पहले तो एक तो ये साइन से मालूम पड़ जाएगा, दूसरा देखो नेम के ऊपर कोई डबल कोट नहीं लगा, नेम के ऊपर हमने यहाँ पे कोई डबल कोट नहीं लगाया, ठीक है। तो नेम क्या है, ये प्रॉपर्टी है और ये राम इसकी वैल्यू है। तो F नाम का जो एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मल्टीपल डेटा रख सकते हैं। देखो दिख रहा है आप लोग को, देखो उसकी देखो एरे भी अपन ने स्टोर कर लिया, देखो इस F नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस भी स्टोर कर लिया, देख पा रहे हो। मगर हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ब्राउजर पे प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिंट कैसे करोगे आप, एफ डॉट करके कैसे प्रिंट करोगे, अगर प्रिंट करना होगा तो ऐसे करके एफ डॉट नेम करके प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो देखो ब्राउजर पर नेम प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो गया राम, ठीक है। आ रही बात समझ में, फंक्शन प्रिंट करना है तो ऐसे प्रिंट करोगे, और कंसोल में चेक करना है पूरा ऑब्जेक्ट
तो आप क्या लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग। आगे बात समझ में, तो आपको ये कंसोल में दिख जाएगा पूरा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो आना तो बोल दो। यस सर, हो गया सर। अब मान के चलो हमें इस ऑब्जेक्ट को ब्राउजर पे प्रिंट करना है पूरा, तो जो जो एफ नाम को ऑब्जेक्ट है इसको हम ब्राउजर पे प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे एफ डॉट, सॉरी आपको इस ऑब्जेक्ट को ब्राउजर पे प्रिंट करना है तो क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में, ठीक है। इसको आपको पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आ रही बात समझे? तो आप लोग क्या यूज करोगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और लिख देना इसमें एफ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इसमें लिख देना एफ। अब जी क्या करेगा, इस पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। देखना अभी रिफ्रेश किया, दिख रहा है, देखो अब स्ट्रिंग समझ में आ गया। ये देखो डबल कोट सब पर लग गया, दिख रहा है सब पर डबल कोट लग रहा है। तो ये क्या बन गया, मेरा पूरा स्ट्रिंग बन गया। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। कोई आपसे पूछेगा कि भाई ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करोगे, जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात नहीं, आप लोग चेक कर लो उसको। सर हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि एफ वाला जो मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट, हाँ नेम, एक और नेम की अगर प्रॉपर्टी बनाते हैं अपन, देखो देखो नाम के नीचे, देखो क्या करेगा ये बताओ, क्या कर देगा वो सर, ये नीचे वाले को सिंपल, ऊपर वाले को सिंपल ओवरलैप करेगा ना, करेगा हो गया नोट। यस सर। चलो समझ आ गया आप लोगों को, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, है ना। चलो कोई आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करोगे, कोई आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज करके, क्या कहोगे उसको, जेसन स्ट्रिंगिफाई का यूज करके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक बनाओ फाइल वेरिएबल्स नाम से, वेरिएबल्स डॉट html, वेरिएबल्स डॉट html, बन गई फाइल। अब देखो एक चीज आप लोग यहां पर नोटिस करें, स्क्रिप्ट देखो मैं लिखा यहां पर let यहां किसको शो करता है, सब लोग वेरिएबल्स को, है ना। वेरिएबल्स क्या करते हैं, डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं। तो अब लिखा यहां पर ए, रन किया, ओपन विद लैब सर्वर कर दिया, टेन प्रिंट हो गया। अब एक चीज नोटिस करो, मैंने लिखा लेट
a is equal to 20, 30. अब देखो ये आ गया रेड रेड, अब एरर आ गई, दिख रहा है आपको एरर आ गई। अब अगर मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो कुछ आएगा क्या? रिफ्रेश किया, कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या आ गई यहाँ पे एरर आ गई एरर। मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल में जाके चेक करूंगा एरर। कहां चेक करोगे आप लोग? कंसोल में। देखो क्या कह रहा है मुझसे, ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, दिख रहा है आप लोगों को? दिख गया ए हैज बीन, ए है, दिख गया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ए को पहले यूज कर चुके हो, दोबारा इस ए वाली वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। और सही भी है, आप अगर बैकएंड पे काम कर रहे हो तो आपने एक वेरिएबल में डेटा स्टोर कर दिया, अब वो वेरिएबल कोई और आके यूज कर ले तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं जाएगा? तो इसलिए अपन किसका यूज करते हैं, वो लेट का, ठीक है। अब पंगा क्या होता है, देखो मैंने हटा दिया यहां से लेट, हटा दिया, अब देखना क्या हो जाएगा इसके अंदर। अब देखना आप ए के अंदर 30 स्टोर हो जाएगा, हो गया 30 स्टोर, सब देख पा रहे हैं? यस सर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मांगा चलो कोई बंदा आया, उसने यहाँ पे लेट का यूज नहीं किया, सिंपल ए लिख दिया, तो फिर ए की वैल्यू तो चेंज होगी ना, तो लेट भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक हम यूज करेंगे जब बैकएंड पे काम करेंगे, कॉन्स्टेंट, नाम सुना आप लोगों ने कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, सुना होगा ना कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। देखो 40 आ गया, अगर मैं सेम यहां पे लिखूंगा, देखो एरर दे रहा है, और ये हटा के देखता हूं कितना वैल्यू चेंज हो गई मेरी। देखो यहां पे कर दी मैंने 400, अब देखते हैं, रिफ्रेश किया तो देखो एरर आ गई, आ गई। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी, अगर मैं बी में वैल्यू डिफाइन कर दी 40 और यहां पे लगा दी मैंने कांस्ट, तो फिर बी के अंदर कोई और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते अपन। तो लेट सही है कि हमारे लिए कांस्टेंट ही रहेगा, बताओ कांस्टेंट है ना, तो हम बैक एंड में कांस्टेंट का यूज करेंगे, नोट कर लो। करो इतना सब लोग, हो गया था नोट।
इतना नोट हो गया? यस सर। चलो अब एक बनाओ फाइल, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर। एक बनाओ फाइल ऑपरेटर नाम से। सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा होता है हमारा? अर्थमैटिक ऑपरेटर। तो बना लो फाइल अर्थमैटिक ऑपरेटर नाम से। अर्थमैटिक ऑपरेटर, लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। जावास्क्रिप्ट क्या है एक? जानते हो आप लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी। अगर जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं आई तो फिर आप मोंगो डीबी नोड मर्न स्टैक पे काम नहीं कर सकते अच्छे से। देखो ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलर। देखो जानते हो ये क्या होता है? डबल स्टार, जानते हो आप? पावर, ठीक है, पावर होती है ए पावर बी की। तो कितना आउटपुट आएगा इसका? 100 आएगा, है ना? 100 पावर होती ना, तो जानते हो ना आप लोग बेसिक चीज है। यस सर। लो नोट कर लो आप लोग इसको। अर्थमैटिक ऑपरेटर, एक बना लो फाइल अर्थमैटिक ऑपरेटर नाम, नोट कर लो इसको। सब नोट कर लें इसको। सबको हो गया नोट? बाकी लोगों का? सबका नोट हो गया? यस सर, हो गया। चलो अब एक बनाओ फाइल। यस सर, यस सर। एक बनाओ फाइल कंपैरिजन ऑपरेटर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ये। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर कंपैरिजन, कंपेयर करना। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर।
अब देखो इसको मैं देखूंगा इफ एल्स के साथ, ठीक है, इफ एल्स कंडीशन के साथ चेक करूंगा। मैंने कहा इफ इफ क्या ए इक्वल इक्वल बी के है क्या, और ये लगाया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिख दिया यस, और नहीं होगा तो हम एल्स का यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नो। अब देखो इफ एल्स क्या करता है, मैंने इफ क्या करेगा, इफ ये कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, इफ का यही काम होता है, क्या ए और बी इक्वल इक्वल है कि नहीं, तो नहीं है ना, ए 10 है बी 2 है, तो आउटपुट में क्या आएगा, एल्स वाले पार्ट पे चला जाएगा तो आउटपुट में क्या आएगा नो। देखो देखो नो आ गया, आउटपुट नो इसका, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे, अब अगर मैं यहां पे 10 कर दूंगा तो कंडीशन कैसी जाएगी, ये ट्रू, तो आउटपुट में क्या आएगा यस आ जाएगा, ठीक है। अब बताना आप लोग मुझे, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, यस कि नो, मे बी नो, बाकी लोग नहीं आएगा सर, कैसे स्ट्रिंग है और एक नंबर है, बाकी लोग सर वो एक वैल्यू है और ये एक इंटीजर, इसका जैसे वैसे सही बोला आपने, वैसे सही, मगर यहाँ पे लगा है इक्वल इक्वल। अगर मैं इस कोड को पाइथन से चेक करूंगा ना तो यहाँ पे नो ही आएगा, अगर मैं ये कोड पाइथन में करता तो नो आएगा, मगर जावास्क्रिप्ट में ये क्या है डबल इक्वल है ना, ये सिर्फ क्या चेक करता है ओनली वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो यस ही आएगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डबल इक्वल है ना वो सिर्फ क्या देख रहा है ए और बी की वैल्यू, ठीक है। और यही मैं अगर यहां पेस्ट कर दूं, ट्रिपल इक्वल लगा दी मैंने, अभी ट्रिपल इक्वल क्या चेक करेगा, डेटा टाइप, ट्रिपल इक्वल क्या चेक करेगा, डेटा टाइप। अब देखो यहां पे क्या आउटपुट आएगा, अब नो आ गया। जावास्क्रिप्ट के अंदर डबल इक्वल सिर्फ ओनली वैल्यू चेक कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और ट्रिपल इक्वल क्या चेक करता है, वैल्यू के साथ साथ में डेटा टाइप भी चेक करता है, ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग, इसको नोट करो, फिर और बताता हूं, नोट करो। हाँ जावास्क्रिप्ट आपने अच्छे से कर ली तो आपको पाइथन आ गई, सी आ गई, सी प्लस प्लस के कंसेप्ट आ जाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जैसी होती हैं, बस थोड़े सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं।
हो गया इतना। यस सर। बाकी लोगों का चलो अब देखो इसमें और चीजें होती हैं। अब इसका आउटपुट क्या आएगा मैं थोड़ा सही कर देता हूं यहां पे। देखो नॉट इक्वल, नॉट क्या करता है ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। नॉट क्या करेगा ये ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। तो बताओ क्या आउटपुट आएगा आपके अकॉर्डिंग। यस आएगा। बाकी सब बताएं क्या आएगा। यस आएगा सर। यस आएगा सर। ठीक है क्योंकि वैसे नो है ठीक है मगर नॉट लग गया तो ट्रू को फॉल्स कर देगा। ठीक है अब फिर बताना। अब अगर मैं यहाँ पे वही सेम कंडीशन लगा दी मैंने अब आउटपुट क्या देगा ये नीचे वाला। वही कहानी बन गई है गेट टैप वाली। अगर मैं ये हटा दूंगा ना यहाँ से ये ऐसे कर दूं वही सेम चीज है। इसके बाद क्या लग गया अकेला नॉट लग गया टेस्ट किया तो बताओ ये आएगा। कोई डेटा टाइप चेक करेगा तो वो गलत हो जाएंगे और नॉट इक्वल लग गया तो यस प्रिंट कर देगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को। यस सर। अब यहां देखो अब ये होता है ग्रेटर देन ठीक है और इसी में एक आता है लेस देन है ना ग्रेटर देन लेस देन। और इसी में एक होता है दो और होते ग्रेटर देन इक्वल और एक और होता है लेस देन इक्वल। ठीक है इसको नोट कर लें आप लोग। नोट कर रहे हैं सब लोग।
नोट कर लें। नोट बताते हैं, बताते हैं ना। यस सर। और नीचे का और है अभी। सब नोट कर लें सारे लोग। हो गया सर। बाकी लोगों का यस सर। समझ आया था पार्ट?